बैसाखी स्पेशल मीठा चावल। बैसाखी स्पेशल मीठा चावल या जर्दा पुलाव बनाने के लिए हम एक कप बासमती राइस लेंगे, जिसे हम अच्छे से पानी से धो लेंगे। तीन चार बार पानी से धोने के बाद चावल अच्छे से धुल चुका है। अब हम इसे साफ पानी में सोक करेंगे 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद हम एक पैन गैस पर रखेंगे, जिसमें पानी गर्म करेंगे, जिसमें दो लौंग, एक टुकड़ा दालचीनी और एक तेज़पत्ता डालेंगे और ऐड करेंगे हमारा सोक किया हुआ चावल। सिंस दिस इज़ जर्दा पुलाव, हमें येलो कलर चाहिएगा। अगर आप चाहें तो इस स्टेज पे फूड कलर ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज सैफ्रन यूज़ कर सकते हैं। फ्लेम हम मीडियम रखेंगे और इसको लिड लगाकर 5 to 7 मिनट्स तक कुक करेंगे। आफ्टर 5-7 मिनट्स वी विल चेक इट, इट्स ऑलमोस्ट डन। 80% तक चावल कुक हो गया है, हमें ऐसे ही चावल चाहिए। अब हम चावल को पानी से सेपरेट करेंगे। ओवर कुकिंग को अवॉइड करने के लिए 15 to 20 सैफ्रन स्ट्रैंग्स को हम मिल्क में सोक करेंगे। अब एक पैन में हम 1 tablespoon घी लेंगे। फ्लेम हम स्लो रखेंगे। इसमें ऐड करेंगे हम 1/2 इलायची या बड़ी इलायची, कुछ रफली चॉप्ड नट्स लेंगे, 4 to 5 एलमंड्स, 4 to 5 कैश्यूज। ये ऐड करेंगे हम इस घी में और इनको हमें गोल्डन ब्राउन होने तक शैलो फ्राई करना है। अब हम लेंगे 4 to 5 बादाम और 5 to 6 काजू, जिनको हमें क्रश करके एक सेमी पाउडर फॉर्म में रखना है, जिसे हम बाद में यूज़ करेंगे। हमारे नट्स हो गए हैं गोल्डन ब्राउन। अब हम इसमें धीरे धीरे राइस ऐड करेंगे। राइस कुक्ड है, इसलिए बहुत धीरे धीरे ऐड करें आप, एकदम से मिक्स ना करें। राइस को सेपरेट करेंगे और इस स्टेज पे अब हम 1 tablespoon घी और ऐड करेंगे, ताकि राइस सेपरेटेड रहे और कुक हो जाए अच्छे से। घी डाल के राइस को कुक करने से बहुत टेस्ट अच्छा बनता है जर्दा पुलाव में। अब हम चाशनी बनाएंगे। 1 cup चीनी लेंगे हम, इसमें बहुत थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे, जितना चीनी सोक कर ले सिर्फ उतना। आप चाहें तो डायरेक्ट भी शुगर ऐड कर सकते हैं राइस में, लेकिन चाशनी बनाने से ज़्यादा अच्छा खिल के आती है जर्दा पुलाव। चाशनी हमारी लगभग तैयार है। इसमें हम सोक की हुई सैफ्रन ऐड करेंगे, एक अच्छा सा बॉयल आने देंगे चाशनी में। बहुत अच्छा कलर आया है सैफ्रन से चाशनी में, इसे हमें ऐड करना है राइस में। धीरे धीरे हल्के हाथ से टर्न करते हुए शुगर सिरप और चावल को मिलाएंगे, ताकि अच्छे से चाशनी मिल जाए। नाउ इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें 3 to 4 मिनट और कुक करना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 to 3 हरी इलायची का पाउडर, 1 tablespoon घी, 2.5 tablespoon घी काम में लिया है टोटल इन 3 पार्ट्स। अब हम ऐड करेंगे 2 teaspoon डेसिकेटेड कोकोनट, नारियल का बुरादा, और ये हमारे फाइनली चॉप्ड एंड क्रश्ड नट्स ऐड करेंगे। कोकोनट हमें बहुत कम ही यूज़ करना है
और इसी तरह हमें केवड़ा वाटर भी 5 to 8 ड्रॉप्स ही यूज़ करना है, ज़्यादा यूज़ नहीं करना। अब हम राइस को कवर करेंगे। वाह, कितनी अच्छी अरोमा आ रही है, केवड़ा वाटर, कार्डमम, नट्स, घी, राइस। हमारा जर्दा पुलाव रेडी है सर्व करने के लिए। डिश आउट करेंगे। सैफ्रन से बहुत प्यारा येलो कलर आया है। गार्निश करेंगे टूटी फ्रूटी या आपके मनपसंद नट से। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल।